The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, namaskar. मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे पल्मनरी रिहैबिलिटेशन के बारे में। जी हां, अगर आपके लंग्स में कोई इन्फेक्शन हुआ है, आज के डेट में सबसे कॉमन इन्फेक्शन है कोविड कोरोना, और कोविड कोरोना के बाद या निमोनिया हो गया हो या सांस में एलआरटी या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो उसका रिहैबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है। पल्मनरी रिहैबिलिटेशन का मतलब है पल्मनरी, जिसको हम लंग्स का रिहैब बोल सकते हैं, या बोल जो जिन लोगों को कोई एक्यूट गहरी या क्रोनिक ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, लंबे समय में ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है या आज भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, हर उस इंसान जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है वो पल्मनरी रिहैबिलिटेशन कर सकता है। इट कैन हेल्प इम्प्रूव योर एबिलिटी टू ब्रीद, इट कैन इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट कैन इम्प्रूव योर एबिलिटी टू फंक्शन, आपके लंग का फंक्शन वो बढ़ा सकता है पल्मनरी रिहैबिलिटेशन। याद रखिए, पल्मनरी रिहैबिलिटेशन इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट है, उसकी ज़रूरत है तो है, पल्मनरी रिहैबिलिटेशन उसके साथ या उसके बाद शुरू होता है, याद रखिए, राइट, ट्रीटमेंट के बाद। PR, पल्मनरी रिहैबिलिटेशन, ये एक आपको घर पे दिया जाता है, घर पे करिए, कई बार हॉस्पिटलों में शुरू हो जाता है, क्लिनिक में दिया जाता है। अब इसमें होता क्या है, आपको एक टीम होती है, या तो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जो आपके सिम्टम्स को समझते हैं, आपकी एक्सरसाइज की एबिलिटी को समझते हैं, और आप अपना डेली एक्टिविटी कर पाओ, सांस ना फूले, दिक्कत ना आए, आपकी क्षमता बढ़े, उसके लिए आपको तरीका बताते हैं, वेज बताते हैं, चीज़ें बताते हैं, क्या क्या बताते हैं, किसको ज़रूरत पड़ती है। आइए बात करते हैं, हु नीड्स पल्मनरी रिहैब, सबको चाहिए क्या? हर इंसान जिसको कोरोना हुआ, हर इंसान जिसको COPD है, क्या उन सबको चाहिए? जी, पहले समझ लो, आपको पल्मनरी रिहैबिलिटेशन ज़्यादातर केसेस में क्रोनिक लंग डिजीज वाले लोगों को चाहिए। क्रोनिक लंग डिजीज या ऐसी बीमारी जिसके वजह से आपको ब्रीदिंग नहीं हो पा रही, सांस नहीं ले पा रहे और आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे। सो समबडी हु हैज COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, या पहला पुराना कभी कोई TB हुआ हो, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसीमा है, ऐसी बीमारी, आस्थमा है, बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा है, या एयरवेज जो है वो पार्शली ब्लॉक है, तो ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस सब इसमें आ गया। इट मेक्स इट हार्ड फॉर द एयर टू कम आउट एंड गो इन, तो सांस में फूलना शुरू, उस लोगों को जरूरत है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज जैसे कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस, सार्कोइडोसिस, ऐसे लोग जिसमें लंग ही पूरा इंटरस्टिशियम उनका सख्त होता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है, उसकी इलास्टिसिटी खत्म होती जा रही है, तो स्लोली 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 उनका भी सांस फूलेगा, तो उनको ज़रूरत पड़ेगी। एनीबडी हु हैज़ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, सार्कोइडोसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, तो धीरे धीरे उनका ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, क्योंकि उनको प्रॉपर मिलेगा नहीं, तो इसीलिए उनको ये चाहिए। सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें म्यूकस ज़्यादा डार्क, ज़्यादा गाढ़ा, डार्क रो, गाढ़ा होता जाता है, म्यूकस गाढ़ा होता जाता है, गेट्स कलेक्टेड इन द लंग्स, इट कैन ब्लॉक योर एयरवेज, बच्चों में प्रॉब्लम होती है, दैट पीपल, उन बच्चों को भी पल्मनरी रिहैबिलिटेशन चाहिए। जिनको लंग की ऑपरेशन हो चुका है, हो रहा है, हो गए तो होने वाला है, उन लोगों को भी बिफोर लंग सर्जरी भी पल्मनरी रिहैबिलिटेशन देना चाहिए, आफ्टर भी देना चाहिए, रिकवरी के लिए भी देना चाहिए। दिस इज वेरी गुड, पल्मनरी रिहैबिलिटेशन। और अगर किसी को मसल वेस्टिंग डिसऑर्डर है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, कि आपके अगर मसल्स हैं जो आपके ब्रीदिंग के इंटरकोस्टल मसल्स हैं, वहाँ पे अगर मान लीजिए दिक्कत आ रही है, देन ऑल्सो यू नीड पल्मनरी रिहैबिलिटेशन। जितने जल्दी शुरू होता है बीमारी में उतना अच्छा। कई लोगों के अगर लंग डैमेज हो गया, एडवांस डिजीज हो गई, तब लेट शुरू करेंगे उतना कम बेनिफिट होगा। सो अगर आपके लंग को किसी भी तरीके का डैमेज है, चाहे कोरोना से है, चाहे टीबी से है, चाहे स्मोकिंग से है, चाहे कैंसर से है, चाहे किसी और बीमारी से है, आप पल्मनरी रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं। पल्मनरी रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें एक टीम ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पहले आपकी बीमारी समझते हैं, आपको एक लंग फंक्शन टेस्ट कराना पड़ेगा, कुछ ब्लड टेस्ट कराने पड़ेंगे,
एक्सरसाइज इंड्यूस्ड आपके लंग की कैपेसिटी देखी जाती है. उसके बाद दिस टीम विल हैव अ डॉक्टर, दे विल गो थ्रू योर मेडिकल हिस्ट्री, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपके करंट ट्रीटमेंट प्लान को देखते हुए, आपके मेंटल हेल्थ को देखते हुए, आपकी डाइट को देखते हुए आपके लिए एक प्लान बनाया जाएगा जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा. इट बेसिकली हैज सिक्स थिंग्स. सिक्स, नंबर वन एक्सरसाइज. यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आपको एक आपकी कंडीशन के मुताबिक एक्सरसाइज प्लान दिया जाएगा ताकि आपकी एंड्योरेंस, मसल स्ट्रेंथ बढ़े. यू विल हैव टू एक्सरसाइज आपके दोनों हाथ, दोनों पैर. आप अगर बहुत हेल्दी हैं, हो सकता है आपको ट्रेडमिल पे चलाया जाए, हो सकता है स्टेशनरी बाइक पे, हो सकता है वेट ट्रेनिंग किया जाए, डिपेंडिंग अपॉन कि आप फिजिकली स्ट्रांग बने, अपने काम कर पाए उसके लिए. सेकंड इंक्लूड इन द सेकंड थिंग इज न्यूट्रिशनल काउंसलिंग. आप अगर ओवरवेट हैं, आप अगर अंडरवेट हैं, तो आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम इन चीज से भी अफेक्ट हो सकती है. तो न्यूट्रिशनल काउंसलिंग की जाती है ताकि आप हेल्दी वेट कैटेगरी में आ जाए. थर्ड, आपकी डिजीज, जो भी आपकी बीमारी है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, COPD है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, राइट, पोस्ट कोविड सिंड्रोम है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में आपको एजुकेशन मिलेगा. थर्ड पार्ट इज एजुकेशन, लर्निंग हाउ टू अवॉइड सिचुएशंस दैट मेक योर सिम्टम वर्स. एलर्जी है, किससे है, घर में क्या क्या अवॉइड करें, किस किस चीज को अवॉइड करें, हाउ टू अवॉइड इन्फेक्शंस, हाउ एंड वेन शुड यू टेक योर मेडिसिन, इन सब का एजुकेशन आपको मिलेगा, रिहैबिलिटेशन. द फोर्थ थिंग इज देर यू विल बी गिवन टेक्निक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेक्निक्स दैट यू कैन यूज टू सेव योर एनर्जी. आपको अपने डेली टास्क जो आपको करना है, बिस्तर से उठना है, वॉशरूम जाना है, खाना बनाना है, सामान है, पानी भरना है, ये सारी चीजों को इजीली करने के लिए आपको वे बताया जाएगा. अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको दिक्कत हो रही है उसको करने में, तो यू विल बी टॉट इजियर वेज, टेक्निक्स यू कैन अवॉइड, ताकि आपको आप बेंडिंग, लिफ्टिंग, ऐसे ऐसी चीजें जो हैवी है आपके आपके लंग्स के ऊपर, वो अवॉइड कर सके. यू माइट ऑल्सो बी गिवन टास्क, राइट, जैसे You will learn how to deal with stress, because stress एक बहुत important factor है इस मामले में. Fourth, fifth thing is your breathing strategies. Breathing exercises दी जाएगी आपको ताकि आपकी breathing better हो. उसमें depend करेगा आपका oxygen level, आप उसमें क्या आता है, techniques में एक number important था to increase your oxygen level. Number दो, decrease how often you take breath. एंड नंबर थ्री, क्रीप योर एयरवेज ओपन लॉन्गर, आपके सांस की नलियां ज्यादा देर तक खुली रहे. नंबर एक, ताकि आप ब्रीद इन करो, होल्ड करो, फिर उसको डबल टाइम तक छोड़ो, पूरा बंद करो, पूरा खोलो. मैंने बताया था एक बार पर्स्ट लिप ब्रीदिंग, वो वाली टेक्निक, प्लस एब्डोमिनल ब्रीदिंग टेक्निक, प्लस स्लो ब्रीदिंग, ऑक्सीजन लेवल्स आपके बढ़ जाते हैं उससे, बहुत अच्छा रहा. द सिक्स्थ एंड फाइनल थिंग इज साइकोलॉजिकल काउंसलिंग. कई बार भाई साहब देखो, जिसको सांस नहीं आता ना, उसको डर लगता है, उसको डर लगता है कि भाई मैं काम नहीं कर रहा, मर जाऊंगा, मेरे क्या हो रहा है, लंग्स खराब हो रहे हैं, क्या हो रहा है. सो यू आर अफ्रेड, इफ यू हैव अ क्रोनिक लंग डिजीज, यू आर डेडली अफ्रेड. आपको एंजाइटी होता है, आपको डिप्रेशन होता है, इमोशनल प्रॉब्लम होता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं डिपेंडेंट हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं. सो यू नीड काउंसलिंग, यू नीड सपोर्ट. कई बार फैमिली की पूरी काउंसलिंग करनी होती है कि आप इसके साथ कैसे बिहेव करेंगे, क्या क्या आपको करना है हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए. ये पूरी टीम जो है पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन के लिए, ये ऑर्गेनाइज करती है आपकी काउंसलिंग, आपकी एक्सरसाइज, ब्रीदिंग स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स टू सेव एनर्जी, टू सेव योर लंग्स, एजुकेशन, न्यूट्रिशनल एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें अपार्ट फ्रॉम मेडिकेशन, बाकी सब ये है इंक्लूडेड आपके ट्रीटमेंट प्लान में. इसी को कहते हैं पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन. सो पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन के लिए ज़रूर साइन अप करें, आप उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट या अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं. तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और कोई और सवाल है तो ज़रूर लिखें. मैं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन.